विश्वसनीयता का प्रतीक बुढ़ामल ज्वेलर पालमपुर। कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस ने आज राजीव भवन में ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस व सेवा दल ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि आज कांग्रेस 136वां व सेवा दल 98वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1920 में गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए शुरू की गई लड़ाई 1947 में पूरी हुई। कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी ने देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हमारा जो सेवा दल है अनुराग ठाकुर जी के, अनुराग शर्मा जी के नेतृत्व में हमने यहाँ स्थापना दिवस मनाया। इसके बाद जो है यहाँ तिरंगा यात्रा हम गुरुद्वारा तक निकालेंगे। आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज देश की एकता और अखंडता और जो हमारा धार्मिक सद्भाव है उस पर एक चोट करने का प्रयास हो रहा है। देश में राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता के नाम पे राजनीति हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। आज कांग्रेस पार्टी के साथियों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।